नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पड़ोसिको में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आज जो बताने वाले हैं आपको, बहुत ही कमाल का ये स्टेप है, बहुत ही कमाल का ये टूल्स है। जैसे हम करते क्या हैं कि कभी कभी हमारे पास इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 सीट्स हैं। 5 सीट पे अलग अलग तरह के डेटा हमने बनाया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 5 दुकान है, किसी भी बाज़ार में 5 दुकान है और 5ों दुकान पर आपका सामान बिकता है और उसका लिस्टिंग आप अलग अलग सीट में, जैसे शॉप 1 में किए हैं 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, या लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, प्रिंटर, जो भी है ये सब बिका हुआ है। ये सेल का क्वान्टिटी है कि 1 अप्रैल को 10 लैपटॉप मेरा बिका शॉप 1 पे। शॉप 2 पे हमारा 1 अप्रैल को लैपटॉप बिका 6 पीस। शॉप 3 पर भी हमारे 1 अप्रैल को 7 पीस बिका। शॉप 4 पर भी जो है हमारा 12 वो लैपटॉप बिका है। शॉप नंबर 5 पे हमारा 1 अप्रैल को 8 पीस लैपटॉप हमारा बिका है। अब इस तरह से हमारा अलग अलग शॉप पे बहुत सारा क्वांटिटी में अलग अलग लैपटॉप बिके हैं, डेस्कटॉप्स बिके हैं, टैबलेट्स बिके हैं, मोबाइल बिके हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी का एक दिन में एक सीट पे, यानी कि ये 5 सीट का डेटा एक सीट पर कैसे आएगा। 5 सीट का डेटा एक सीट पर लाने के लिए, या मान लीजिए आपके 50 सीट्स है, 100 सीट है, 100 सीट को हमको लाना होगा एक सीट पे। मास्टर सीट एक बनाए हैं हम लोग, इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेंगे सिंपल सा। अब क्या करना है आपको, ये शॉप 1, शॉप 2, एक तो सब एक सीट पर आ भी जाए, और दूसरी चीज़, जैसे शॉप 1 का पहले आ जाए, फिर शॉप 2 का नीचे आ जाए, फिर शॉप 3 का नीचे आ जाए, दूसरी चीज़ कि सबको जोड़ भी ले साथ साथ है कि लैपटॉप एक तारीख को सभी दुकान पे मिला करके टोटल कितना बिका है, ये भी काउंट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एक मास्टर फाइल बनाएंगे। मास्टर फाइल बना करके कहीं भी आप क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद आप सिंपल सा क्या करना है कि डेटा पर चले जाना है। देखिए यहाँ पर डेटा टैब है, इस डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कंसोलिडेट, बहुत ही कमाल का ये टूल्स है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको ये देखना है सम, मतलब आपको क्या सभी को जोड़ना भी है, या फिर आपको काउंट करना है, एवरेज निकालना है सबका, मिनिमम प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का नाम, जिस चीज़ से खोजना आपको उसमें सेलेक्ट करना। चलिए हम अभी सम करते हैं क्योंकि हमको जोड़ना भी है साथ ही साथ। उसके बाद दोस्तों आपको ये रेफरेंस मिलेगा, ये रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। रेफरेंस पे कैसे हम लोग देंगे, रेफरेंस का मतलब कि कौन से शॉप 1 का देना है, शॉप 2 का, शॉप 3 का, शॉप 4 का और शॉप 5 का। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये कॉन्सेप्ट रेफरेंस खुल जाएगा। अब सिंपल सबको रेफरेंस कैसे जनरेट करते हैं ये देखते हैं। शॉप 1 में आइए, शॉप 1 में आने के बाद आपको इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, इस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा सेलेक्ट कर लिए, यानी आपका रेफरेंस आ गया यहाँ से B4 से लेकर के, और यहाँ पे रेफरेंस आ गया आपका L12। ये रेफरेंस हमने कर दिया और यहाँ पे दोबारा से ऐसे क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके सामने ये रेफरेंस यहाँ पे आ गया। इसके बाद दोस्तों अब शॉप 2 लेना है, तो शॉप 2 लेने के लिए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो शॉप 2 पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ऑटोमेटिक पहले से हमारा क्या है, रेफरेंस सेलेक्ट है, सेलेक्ट कर लेता है। एक्सेल बहुत ज़्यादा समझदार है, एक्सेल खुद ही कर लेता, नहीं करता है तो अपने से कर लीजिए ऐसे सेलेक्ट, कैसे बताए हैं। और यहाँ पे जो है फिर से ऐड कर दीजिए, इसी तरह से तीसरा शॉप ले लीजिए, फिर से सेलेक्ट है मेरा तो ऐड कर देंगे, इसी तरह से चौथा शॉप ले लेते हैं, फिर से ऐड है ऐड कर देते हैं, और इसी तरह से पाँचवा शॉप ले लेते हैं, पाँचवा शॉप लेने के बाद इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मेरा 5ों शॉप आ गया होगा, यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5 और एक नीचे एक, ये हमारा 5ों शॉप यहाँ पे आ गया। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा हेडिंग है ये डेट है और इधर प्रोडक्ट का नाम है, तो ये डेट और प्रोडक्ट का नाम सभी शॉप में सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप डेस्कटॉप पहले कर दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसको जैसे फर्स्ट शॉप में ये हेडिंग बनाए हैं, सेम हेडिंग आपको सेकेंड शॉप, थर्ड शॉप में भी, चाहे 50 या 100 शॉप हो, वहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद जब आप ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है,
टॉप रो यहाँ पे है, टॉप रो पे क्लिक करना है, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करना है और क्रिएट लिंक टू सिक्योर डेटा पे क्लिक करना। अब ये टॉप रो क्यों? क्योंकि हमारा हेडिंग जो है क्या है, टॉप रो पर था, इसलिए हम लोग टॉप रो कर देंगे। और लेफ्ट कॉलम में भी, यानी हमारा ऊपर में डेट था और हमारा बगल में इधर प्रोडक्ट नेम था, इसलिए अगर आपका बगल में प्रोडक्ट नेम नहीं है, कोई और डेटा है, केवल डेट है, तो केवल टॉप रो कर लीजिएगा। अगर टॉप रो में आपका हेडिंग नहीं है, लेफ्ट कॉलम में है, तो केवल लेफ्ट कॉलम कर लीजिएगा। इस तरह से आपके पास जो होगा वो चीज़ कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हमको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। लेकिन ओके के बाद फिर क्या करना है, इसके लिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को मेरा कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट करके आप जरूर मुझे बताएं कि ये टूल्स आपको कैसा लगा, ये टूल्स कितने काम की है। और अब अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसके बाद ओके कैसे क्लिक करेंगे, ओके करते ही आपके सामने देखिए एक डेटा यहाँ पे बन करके मास्टर फाइल में तैयार हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि लैपटॉप जो है ये 43 है, यानी कि टोटल शॉप नंबर 1 से लेकर के शॉप नंबर 5 तक में टोटल डेटा का जो कलेक्ट काउंट किया गया है वो 43 आया है। अब ये यहाँ पे ये क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने तो डेट डाला था, लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए आया है कि फॉर्मेट सेल इसका बदल गया है। इसको राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद हमें फॉर्मेट सेल में आ जाइएगा। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइम सॉरी डेट मिल जाएगा, डेट में यहाँ आकर के आप ये वाला डाल दीजिएगा और जैसे ओके कीजिएगा तो ये आपका डेट आपका सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो ये डेट हो गया, ये लैपटॉप हो गया 43। अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि कौन कौन से 43 थे, यहाँ प्लस का चिन्ह ना, इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब यहाँ पे हमारा दिख जाएगा। देखिए कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखिए इसको हम बड़ा कर दिए। अब यहाँ पे आपका देखिए लैपटॉप दिख रहा है, 6 है 7 है 12 है 8 है 10 है, यानी कि शॉप 1 शॉप 2 शॉप 3 शॉप 4 शॉप 5, शॉप 1 पे 6 है 7 है 12 8 है 10 है, टोटल मिला के कितना हुआ, 43 हुआ। इसी तरह इसको भी प्लस कर सकते हैं, लैपटॉप हो गया। अब यहाँ देखिए डेस्कटॉप 39, अब यहाँ प्लस। अब देखिए ये सीट के आपके पास जो 5 सीट का डेटा था वो आपका डेटा 1 सीट में कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे, और सबका एडिशन भी कर लिया, यानी कि जोड़ भी कर लिया। अगर हम इसको कलर करके अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए ये वाला जो है हमारा, ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे ऐड है, ये एडिशन है। टोटल डेस्कटॉप का भी अगर हम कलर कर लें, एक मिनट आपको कलर करके हम दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको भी कलर कर लीजिए, डेट का डेट को भी। अब देखिए इस तरह से हम अगर कलर कर देते हैं तो ये आपका शॉप, यानी कि जितने भी एक सीट से लेकर 5 सीट का डेटा एक जगह भी आ गया, एक सीट पर मास्टर सीट पर आ गया, और साथ ही सबको कैलकुलेट भी कर दिया। तो ये बड़े ही काम का टूल्स था, ये टूल्स का जरूर आप प्रयोग कीजिए। और मिलते हैं फिर इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।